फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बताएंगे इसी लैपटॉप में रैम कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे इसका बैक पैनल खोला जाता है। फ्रेंड्स, सबको ये नहीं आता है और ये फ्रेंड्स महंगी चीज है और ज्यादा इधर उधर करने पे टूट जाएगा। फ्रेंड्स, टूटा तो फिर खेला खत्म समझ लीजिए। और इसको कैसे खोला जाएगा और आराम से हम खोलेंगे इसको, और आप भी कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फ्रेंड्स, मटेरियल में आपको खोलने के लिए ऐसा स्क्रू ड्राइवर का सेट मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये 150 रुपए का इजिली मिल जाता है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फ्रेंड्स, ये मैंने 150 का बिग बिलियन डे में खरीदा था, तो ये काम का होता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ले लिया था। फ्रेंड्स, आपको यही वाला स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, नहीं तो मतलब आता है बढ़िया बढ़िया भी, वो भी यूज कर सकते हो। इन्हीं के हते हते रिंच पिलास लेके घुसा दीजिएगा तो फिर टूट जाएगा, फिर खेला खत्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये मैं क्रूशियल का रैम है 4GB का, और इसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चल रहा था तो मैंने इसमें एक SSD भी इंस्टॉल करी है, और ये पहले से HDD वाला है और मैंने SSD का स्लॉट दिया हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, खोलते हैं इसके स्क्रू को। तो पहले आपको ये ले लेना है स्क्रू ड्राइवर और देख लेना है कि कौन सा इसमें मतलब वो टिप अच्छे से लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपका स्क्रू खराब भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इजिली हल्के हल्के करके खोल लेना है, इसमें ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो लैपटॉप है ये 6th generation का है, जो कि आपको पता हो तो ये पुराना है, और ये विंडोज 10 लैपटॉप है फ्रेंड्स। और इसके साथ ये 4GB रैम के साथ आता है और 1TB का HDD लगा हुआ है, जो कि वो CD वाला होता है फ्रेंड्स, जो कि थोड़ा स्लो होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने इसमें 256GB का SSD भी लगाया हुआ है फ्रेंड्स, उससे इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था। और इसका रैम कैपेसिटी फ्रेंड्स 8GB तक है, और इसमें पहले से 4GB लगा हुआ है, और मैं इसमें और 4GB लगाने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने क्रूशियल का रैम मंगाया है, 1000 रुपये का है फ्रेंड्स, और ये मैं लगाने वाला हूँ, और उसके बाद दिखाऊंगा कि फ्रेंड्स मेरा लैपटॉप कितना फास्ट चल रहा है और पहले कैसे चलता था वो भी देख लीजिएगा आप। फ्रेंड्स, इसको हल्के हल्के करके आपको सारे स्क्रू बाहर कर लेने हैं, कोई भी फ्रेंड्स इसमें छोड़िएगा मत, नहीं तो खराब हो जाएगा फ्रेंड्स। आप ध्यान से करिएगा क्योंकि ये थोड़ी महंगी चीज है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही करके आपको सारा स्क्रू खोल लेना है। और फ्रेंड्स, ये मेरा ये सारा यहाँ पे स्क्रू है, और फ्रेंड्स इसको अभी इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इसमें और स्क्रू है जो कि छिपाया हुआ है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। ये पहले आपको बैटरी ऐसे करके और ये ऐसे करके, अगर आप में बैटरी निकलता हो तो फ्रेंड्स बाहर कर लेना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये लैपटॉप का बैटरी बाहर आ चुका है, और फ्रेंड्स यहाँ पे भी स्क्रू दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें ग्लू लगा हुआ है, तो देख के अच्छे से करिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही इधर भी कर लेना है, और ये आपका रबर है जो कि स्लाइड होने से बचाता है, मतलब एक जगह ग्रिप बना रहा है फ्रेंड्स। उसके साथ ही यहाँ पे और 2 स्क्रू देखने को मिल जाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 12 स्क्रू दिए हुए थे, और फ्रेंड्स आपको ये CD वाले को निकाल लेना है इजीली ऐसे करके। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें SSD लगाया था तो इसमें अब कुछ लगेगा नहीं, और ये धीरे धीरे करके आपको निकाल लेना है, क्योंकि ये कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे बस यहाँ पे पैक होने के लिए लगा होता है। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हो हमारा HDD है जो कि बाहर आ चुका है, इसमें ये HDD होता है फ्रेंड्स। अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको यहीं पे रखते हैं, और चलिए इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना होगा कि ये कुछ अच्छा सा आपको जैसे पेपर होगा और ये तौलिया वगैरह रख लेना होगा। ये फ्रेंड्स, ये क्या है, अमेजोनवा के पैकेजिंग है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें बबल रैप है, तो ये सबसे अच्छा है, इससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। और इससे स्क्रैच फ्रेंड्स, इसको कुछ और काम नहीं, इससे स्क्रैच लगने से बचाना है। और आपको ये ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ से जैसे खुलता है फ्रेंड्स, उसको ऐसे करके धीरे से ऐसे खोल लेना है फ्रेंड्स, ऐसे खुल जाएगा तो जैसे आपका लैपटॉप पहले खुलता था फ्रेंड्स। और आपको ATM कार्ड होगा और जैसे कि आई कार्ड वगैरह होता होगा,
तो आपके पास आई कार्ड तो एटीएम कार्ड होगा ही, एटीएम कार्ड तो सबके पास मिल जाता है फ्रेंड्स। ये ऐसे लॉक होता है, मैंने इसको खोल लिया है और थोड़ा सा इसमें ऐसे थोड़ा सा गैप बना लेना है और चारों तरफ ऐसे कर लेना है और थोड़ा सा आवाज आएगा कट कट करके, मतलब इस फ्रेंड्स इसमें लॉक होता है, लॉक बाहर निकल जाता है इसीलिए आवाज आता है और गैप बनते चला जाएगा फ्रेंड्स। मैं इसको बंद कर लेता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा फ्रेंड्स। आप खुलने के बाद आपको बंद कर लेना है और ये बाहर निकाल लेना है फ्रेंड्स, ये ऐसे रख लेना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ढकनी है, मतलब इसका कैप, और वो बाहर आ चुका है फ्रेंड्स। आपको ऐसे माइक्रो फाइबर टाइप का क्लॉथ ले लेना होगा और यहाँ पे फ्रेंड्स गंदगी है जो कि आपको साफ कर लेना है और ये अच्छे से साफ कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमेशा रोज खुलता नहीं है, और खुला है तो साफ कर लीजिए। वो एग्जॉस्ट से जो मतलब फैन से जो डस्ट जाता है और ये वेंट से मतलब वही एग्जॉस्ट वाला, उससे आपको साफ कर लेना होगा अच्छे से फ्रेंड्स, और साफ कर लीजिएगा और उसके बाद इसको रख देना है और इसमें देख लेना है कहाँ कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे स्पीकर की तरफ थोड़ी बहुत गंदगी लगी हुई है, तो इसको हल्के फ्रेंड्स आपको माइक्रो फाइबर क्लॉथ का यूज करना है, नहीं तो डैमेज हो सकता है। और देख सकते हैं मेरा स्पीकर एक तो साफ हो चुका है और दूसरा स्पीकर भी फ्रेंड्स क्लीन हो चुका है, और इधर थोड़ा चीज वगैरह में मतलब आपको साफ कर लेना है फ्रेंड्स। साफ सफाई आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। तो फ्रेंड्स आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने जैसे कहा कि आपको साफ कर लेना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं किधर गंदगी वगैरह लगी हुई है फ्रेंड्स। अच्छे से हल्के हाथ से साफ करना है, नहीं तो टूट जाएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा नाजुक सा पार्ट है फ्रेंड्स। और ये अभी थोड़ा सा लॉक का दिक्कत आ गया इतने आराम से खोलने के बावजूद भी। और आपको ऐसा ब्रश ले लेना है और फैन में ऐसे साफ कर लेना है आपको, ये ट्रिमर वाला ब्रश है फ्रेंड्स। फैन फ्रेंड्स हवा अंदर अंदर करता है तो ठंडा होने के लिए, मतलब बाहर करता है तो ठंडा होने के लिए फ्रेंड्स, ये ज़्यादा इसमें वो हो जाता है, डस्ट ज़्यादा जमा होता है फैन में ही, और इसी की वजह से अंदर भी जाता है। और फ्रेंड्स नहीं तो वो बाहर से वेंट होता है ऐसे सिंपल सा खुला हुआ, उससे भी अंदर जाता है आपका डस्ट, और फूंक लेना है फ्रेंड्स। देख सकते हो अब कितना क्लीन हो गया और इधर से एकदम निकला है पूरा एकदम धूल फ्रेंड्स। इसको अच्छे से साफ कर लेना है, ये वाला ब्रश जो कि आपको ट्रिमर में मिल जाएगा, नहीं तो टूथब्रश भी चलेगा, नहीं रहेगा तो क्या करिएगा फ्रेंड्स। हमारा फैन देख सकते हैं क्लीन हो चुका है, और ये मेरे लैपटॉप में पहले से ही 4GB का SSD, मतलब SSD नहीं रैम लगा हुआ है, और मैंने इसमें एक्सटेंड किया था फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरा 1TB का हार्ड ड्राइव दिया हुआ था, SSD दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स मेरा लैपटॉप पहले इसमें CD लगता था, वो वाला इसमें गोलका वाला, तो फ्रेंड्स उसमें निकाल करके और ये आपको यहाँ पे जो था और उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये फ्रेंड्स इसके साथ ही ये अटैचमेंट मिलता है, और आपको क्या करना होगा कि मतलब इसी में रहता है फ्रेंड्स ये CD वगैरह CD के लिए, और ये आपको ऐसे यहाँ पर आके ऐसे लग जाता है फ्रेंड्स। और ये स्क्रू यहाँ पर देख सकते हैं, ये CD के जगह पे फ्रेंड्स इसमें ऐसे SSD लग चुका है, और इसके वजह से मैं फ्रेंड्स ये भी जगह यूज हो गया, और ये यहाँ पर चला आएगा, देख सकते हो आप यहाँ पर आके कस जाएगा, तो फ्रेंड्स ये बाहर नहीं आएगा, और आप इसमें अब वो CD कम्पैक्ट डिस्क नहीं लगा सकते हो। और ये यहाँ पर हमारा SSD है फ्रेंड्स। SSD के बारे में भी मैं कभी, और SSD के बारे में भी कभी हमारे YouTube चैनल पे वीडियो आएगी। और हमारा RAM उसको अब लगाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा कुर्सियल का 4GB का SSD, और ये पहले का 4GB फ्रेंड्स, ये 8GB हो गया पूरा। और आपको देख लेना है फ्रेंड्स यहाँ पे, ऐसा माफ़ कीजिएगा उसके लिए फ्रेंड्स, ये रैम है 4GB का, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 4GB का पहले से लगा हुआ है, और ये भी फ्रेंड्स 4GB का है, और देख सकते हैं यहाँ पर 4GB लिखा हुआ है। और ये चलिए लगाते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ये उल्टा ना लगे इसीलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है लॉक, मतलब वो से मतलब इसके अंदर जाए। और फ्रेंड्स ऐसे आपको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लेना है अंदर की तरफ, फ्रेंड्स एक साइड से जा चुका है, और ऐसे ही करके दूसरे साइड भी कर लेना है फ्रेंड्स। ज़्यादा इसमें ताकत नहीं लगाना है, नहीं तो ये खराब हो सकता है, और ये इसको ऐसे कर लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये लॉक हो चुका है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे रैम लग चुका है और ये सपोर्ट भी ले चुका है, आपको एक बार चेक कर लेना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि दिक्कत आ सकता है, फिर बंद कर दीजिएगा, फिर खोलना पड़ेगा। तो
वही झंझट ना हो इसीलिए आपको पहले ही लगा लेना है फ्रेंड्स। और चलिए इधर आपको बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर दिया हुआ है, और ये फ्रेंड्स ये कॉपर का पाइप टाइप का दिया हुआ है, और ये फैन दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये फैन इधर से हवा बाहर करता है, और ये कॉपर का पाइप ठंडा होता है, और इसी से ये प्रोसेसर को ठंडा करता है फ्रेंड्स। जितना ही तेज आपका मतलब अथु काम करेगा उतना ही तेज ये फैन रोटेट करेगा। और यहाँ पर आप उसका देख सकते हैं, ये फैन का ये दिया हुआ है, और इधर से सेंसर है शायद कि ये कितना तेज चलेगा। और ये आपका डिस्प्ले के लिए जा रहा है ब्लैक, जो कि ये हिंज की तरफ से उधर नीचे जाएगा। और ये हमारा 240 GB का कुर्सियल का SSD है फ्रेंड्स, 2.5 है, जो कि स्पीड है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा तेज चलता है। यहाँ पर पहले हमारा ये SSD लगा हुआ था, जो कि आप देख सकते हो, और जगह यूज करने के लिए हमने इस SSD को CD वाले जगह पे लगा दिया है, और CD वाला सिस्टम गायब कर दिया है फ्रेंड्स, वो कोई CD लगाता नहीं है अब। और ये आपको उसी के साथ मिलता है, और आप चाहे तो लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ से ये रिबन केबल से कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स सारे चीज़ें कॉपर या और गोल्ड का यूज किया हुआ है फ्रेंड्स। इसका जितना ही अच्छा मेटल होता है उतना ही अच्छा फास्ट ये काम करता है। आपके फ़ोन में भी गोल्ड का प्रयोग किया होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको स्पीकर दो देखने को मिल जाएगा, ये साउंड आउटपुट के लिए है तो पता ही होगा। और ये रिबन केबल से ये कनेक्ट है USB वाला, और ये आपका PCB है फ्रेंड्स, यही इसका मतलब मेन प्रोसेसिंग करता है। और ये शायद GPS है क्या, तो ये शायद GPS है, और ये कनेक्ट होने वाला है, आप एंटीना देख सकते हो। और यहाँ पर आपको ये सेल देखने को मिलेगा। लोग सोचेंगे ये सेल क्यों दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये सेल इसलिए होता है कि आपका वो जो लैपटॉप में टाइम वगैरह दिखाता है वो गलत ना हो, इसीलिए ये सेल दिया होता है। ये आपके PC में भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये आप केबल देख सकते हो, ये टचपैड के लिए है, और ये बटन जो दिया होता है वो है, और यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हो ये टचपैड है। और ये फ्रेंड्स कभी हमारे YouTube पे आपको इसका भी और इसके बारे में क्या होता है वो भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, और कौन सा आपको लगाना चाहिए और फास्ट होता है कि स्लो होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने रैम लगा लिया है, और चलिए आपको दिखाते हैं कि ये सपोर्ट किया है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगा लिया है रैम, जो कि आप देख सकते हो, और चलिए इसको ऑन करके दिखाते हैं कि आपको बैटरी लगा लेना होगा फ्रेंड्स। पहले बैटरी लग जाता है, मेरे केस में तो लग जाता है, आप में देख लीजिएगा आप। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे खोल लेना है, और यहाँ पर मैं बैटरी लगा देता हूँ, और ऑन करके देख लेते हैं कि ये आपका शो कर रहा है कि नहीं रैम। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पावर बटन दे देना है, और ये हमारा लैपटॉप धीरे धीरे चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स खोल कर दिखाते हैं अब एक ही बार, मतलब ये टाइम लगेगा, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स वो मतलब दिखाते हैं वहीं पे अब। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 8 GB मेमोरी शो कर रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 7.9 GB और 30%, जो कि फ्रेंड्स ये हमारा रैम सपोर्ट कर चुका है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने रैम लगाया और सपोर्ट ले लिया है फ्रेंड्स। अब आपको ये अच्छे से लगा लेना होगा, फिर उसके बाद स्क्रू कस के आपको बैटरी अच्छे से लगा लेना होगा फ्रेंड्स। और यही था फ्रेंड्स हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।